नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए लॉकडाउन का ये फोर्थ वीक है यहां पर। तो अंशिका यहां पर खेलने आती हैं हफ्ते में 2-3 बार और ये है देखिए बच्चों का प्ले एरिया। तो आपको दिखाते हैं चल करके, कैसा लगता है अंशिका तुमको यहाँ पर? ओह यस। तो हमेशा अंशिका की डिमांड पर यहाँ पर आना पड़ता है, पर ये लॉकडाउन की वजह से कोरोना के आना हो नहीं पाता है। तो अभी इनका ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, तो इन्होंने ऑनलाइन जितना भी इनको मिला था आज का वो सब करके, तो ये हो रही थी बोर, तो इन्होंने कहा कि मुझे कहीं बाहर लेके चलिए। तो अभी यहाँ पर कुछ टच तो नहीं करने देंगे क्योंकि पता नहीं है कोई आ करके खेल के ऐसा गया हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, पर इनको ऐसे घुमा के एक राउंड लेके जाते हैं और मुझे लगा एक वीडियो भी बन जाएगा इसी के साथ में। ठीक है, तो अब हम करते हैं कैमरा फ्रंट में। वाटर पार्क, तो ये इनसे निकलता है पानी और काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ आसपास के, तो यहीं पर खेलते हैं ये लोग। ये होता है गर्मियों के लिए, वैसे दूसरी चीज़ें भी हैं यहाँ बच्चों के खेलने की। तो ये हमारे घर के जस्ट पीछे साइड में बना हुआ है पार्क, उसी में बच्चों के हाँ इवन अंशिका बता रही हैं यहाँ से अपनी बिल्डिंग भी वो पीछे दिख रही है। लेट मी जूम, वो बिल्डिंग दिख रही है। तो ये है अंशिका, यहाँ काफ़ी एंजॉय करती हैं और यहाँ पेरेंट्स के बैठने वगैरह का भी है, प्लस यहाँ पे झूले भी हैं छोटे बड़े सभी टाइप के बच्चों के लिए है। अंशिका कोई चीज़ को टच नहीं करना बेटा, है ना? हाँ आ जाओ। ये है यहाँ पर झूले और ये काफी अच्छा है ना अंशिका, तुम्हें ठीक लगता है? हाँ ओह ये वाला ये तो काफी डिफिकल्ट है, तुमसे हो जाता है ना, तुम तो कर लेती हो ना? Yes, I can do it. Good. और फिर यहाँ नीचे उतरते कैसे हैं? अच्छा ये इधर से, you are talking about this, touch नहीं करना बेटा। तो ये है बच्चों के खेलने का, सब सूना पड़ा रहे, संसार वाली हालत हो गई है, सब खाली पड़ा है। अंशिका मूव 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 फास्ट बेटा। अब की समर में हम लोग फिर से यहाँ लाएंगे तुमको खेलने के लिए, है ना? Yes. याद है लास्ट ईयर शायद वीडियोस बनाए थे ना पापा ने यहाँ तुम जब खेल रही थी? Yes, that's correct. और यहाँ पर देखिए इस तरफ थोड़े बड़े बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं खेलने के लिए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग बाहर तो निकल नहीं रहे। हेलो, ओ वाओ, सी लुक एट दिस, कम अंशिका इधर आ जाओ। पापा जी अगर आप वहाँ पे जाते हैं
you go there, there's a very big boat where we can see. Where? Wow, Anshika. ये तो काफी डीप है. हाँ, डोंट गो देयर. तो क्या इसमें पानी वानी भी रहता है क्या? नहीं ना. ये देखो ये, वाओ, ही इज वेरी एक्सपर्ट. नहीं, हमसे भी नहीं होगा. पापा तो गिर ही जाएंगे. और आप ऊपर भी नहीं आ सकते. हाँ हाँ. It's a big playground where you can play soccer, cricket, and other games. इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में इन लोगों ने बनाए हुए हैं बेंचेस कि आप बैठ करके सुस्ता सकते हैं. और वैसे भी अगर आपको बैठना है तो बैठ सकते हैं. शाम को वैसे यहाँ काफ़ी पब्लिक आती है. आजकल अब नहीं आ रही है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है. तो दोपहर में बच्चों को लेकर के ये देखिए वो जो फेरी है ये आ रही है. और यहाँ पर इस तरफ प्राइवेट फेरी नहीं चलती हैं, ये सरकारी फेरी है. काफ़ी जो किराया बस और ट्रेन का होता है वही किराया इस फेरी का भी होता है. काफ़ी अच्छी फेरी है. अंशिका आ जाओ इस साइड से. देखें काफ़ी कंफर्टेबल होती है. हम लोग तो अक्सर यहाँ से ट्रेवल करते हैं फेरी में. पर अब ये सब खाली चल रही हैं. ये देखें ये है फेरी. ये आ गया लास्ट स्टॉप इसका. यहीं पर रुक जाएगी, घूमेगी वहाँ पर, वो टर्न करेगी. और ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस रिवर के ऊपर बना हुआ है ब्रिज. काफ़ी ओल्ड है, मोर देन 100 ईयर्स, है ना अंशिका? Yes. तो काफ़ी पुराना ब्रिज बना हुआ है. और ये काफ़ी लंबा ट्रैक है वॉकिंग और जॉगिंग के लिए. और ये अगर आप मेन रोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप ऊपर जा सकते हैं. तो जो लोग इस तरफ रहते हैं उनके लिए नीचे आने का ये एक अच्छा रास्ता है. देखिए पुराना ब्रिज कैसा बना हुआ है, काफ़ी पुराना है. और उस तरफ वो वॉक करने के लिए है, अलग से बना है, सेपरेट. गाड़ियों के साथ में आपको वॉक नहीं करना है. यहाँ साइकिलिंग का बहुत शौक है लोगों को और ये एक तरह से एक्सरसाइज के रूप में ली जाती है साइकिलिंग यहाँ पर. यहाँ गवर्नमेंट ने जो नया नियम बनाया है इस साल, लास्ट ईयर भी रहा होगा, लास्ट ईयर भी था इसी तरह का कुछ, पर याद नहीं अभी. पर इस साल ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं अपने रेजिडेंस से 10 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते हैं, चाहे कार से हो चाहे साइकिल से. एक्सरसाइज के लिए मेंशन किया है कि आप एक्सरसाइज के लिए 10 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते. और बाकी काम के लिए भी, अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए तो खैर आपके पास में परमिशन होगी. कुछ एसेंशियल वर्कर्स हैं जो मेडिकल के और दूसरी जो भी फील्ड्स हैं उनके लिए छोड़ करके. तो यहाँ पे शुरू में मुझे लगा जब ये गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 10 किलोमीटर से दूर जा करके आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कि कौन जाता है 10 किलोमीटर से दूर एक्सरसाइज करने के लिए. थैंक्स. तो बाद में याद आया कि नहीं, ये जो साइकिलिंग करने वाले लोग होते हैं ये लोग कई बार 25-30 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा जा करके आते हैं. तो अगर आप रोड साइड से आके यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाया है इन्होंने रोड तक जाने का इस तरफ से. ये है मेन रोड में. क्या हुआ अंशिका, मास्क बराबर लगाओ बेटा. कल न्यूज़ में दिखाया है यहाँ पर
कि कुछ लोग गार्डन में थे, पार्क वगैरह में ऐसे निकले थे इक्का दुक्का, जो लोग उनमें से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, पुलिस ने कल फिर चालान काटे हैं। ये है देखिए टाउन हाउस टाइप में, 1, 2, 3, 4, ये तो बैक यार्ड है इस तरफ, फ्रंट उधर रोड साइड में खुलता होगा। तो ये रिवर साइड के पैरलर बहुत दूर तक, मैं थोड़ा सा और आगे तक जा करके आपको दिखा के लाता हूँ। तो ये इस तरह से देखिए एक ट्रैक ये गया है जो बिल्कुल रिवर के किनारे किनारे गया हुआ है, बहुत दूर तक गया है, काफ़ी लंबा है। और एक इधर, ये चूँकि न्यू डेवलपमेंट है, इधर 5-6 साल में इधर बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं, ये सब आता पैरामाटा के अंतर्गत ही है। तो इधर ये देखिए, ये सब नए अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो डेवलप हुआ है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं उस तरफ, ये तो जो यहाँ से जितना दिख रहा है मैं उतना आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए कितना ग्रीनरी है यहाँ पर, और पक्षियों की बहुत आवाज़ें आती हैं, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। एंड स्पेशली ये जो पैरेट्स हैं जिनको तोता बोलते हैं, वो यहाँ पर बहुत सारे हैं, और यहाँ बहुत हैं, स्पेशली सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में कहीं पर भी जाइए आप तो पैरेट्स बहुत मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बिल्कुल बीच सिटी में है, और इस तरह से ग्रीनरी और इस प्रकार से नेचुरल वातावरण है। आप लोग बताइए आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। हमारी ये लोकेशन जहाँ हम लोग रहते हैं पैरामाटा, कैसा लगता है आपको?